हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले दो लेक्चर में टर्मिनोलॉजी टू बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ राइस और बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज दो लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक यहां पर दी हुई होगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर पावर पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिजीज। आज हम राइस के जिस रोग के बारे में बात करेंगे उसको कहते हैं बैक्टीरियल लीफ स्ट्रेक। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी और आईजी कोला। इसके विपरीत जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का काजल ऑर्गेनिज्म था वो था जेंथोमोनास और आईजी पीवी और आईजी। ठीक है, तो इस केस में बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक का जो काजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी और आईजी कोला। हिस्ट्री की बात करें तो इस डिजीज को सबसे पहले फिलीपींस में 1918 ईस्वी में देखा गया। उसके बाद भारत में इस रोग की रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार एक के बाद एक 1967 में आपको देखने को रिपोर्ट किया गया इन जगहों से। बात करते हैं इसके सिम्टम की। तो सबसे पहले बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक के जो सिम्टम, जैसा कि डिजीज ही बताता है, नाम बताता है स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स धारियां होती हैं। तो वाटर सोक्ड या ट्रांसलूसेंट इंटरवेनल स्ट्रीक्स से डिजीज सिम्टम की शुरुआत होगी। आगे अगर बात करें तो वीन्स जो है ये इंटरवेन्स पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, मतलब उसके बाहर नहीं जाएगा, उन्हीं के अंदर रहेगा। और जो ये वाटर सोक्ड ट्रांसलूसेंट कलर था वो बाद में येलो या ऑरेंज ब्राउन कलर में बदल जाएगा। इस रोग जो है सिम्टम है, सिम्टम में छोटे पीले दाने के प्रकार की संरचना आपको स्ट्रीक पे दिखाई देगी। वास्तव में वो दानों की संरचना जो होगी वो ऊज होंगे, या इसको और अच्छी तरीके से जाने तो बैक्टीरियल कॉलोनी या बैक्टीरियल स्पोर्स होंगे येलो कलर के, जो इस सिम्टम में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बीट्स हैं, मतलब जो स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के या ऊज है, ये सूख जाएगा और रफ पस्चूल लीफ के ऊपर बनाएगा। जब ये स्ट्रीक्स आपस में मिलेंगी तो ये लार्ज धब्बा बनाएंगी, बड़ा धब्बा बनाएंगी, और उसके बाद और एडवांस कंडीशन में ये पूरी लीफ को कवर कर लेंगे। पत्ती जो होगी ब्लाइट आपको देखने को मिलेगी ब्लाइटेड कंडीशन में, ससेप्टिबल वैरायटी में। ससेप्टिबल वैरायटी वो वैरायटी होती हैं जो डिजीज जिन पे ज़्यादा अटैक कर सकता है। रेजिस्टेंट वैरायटी वो वैरायटी होती हैं जिसमें डिजीज अटैक की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। तो ससेप्टिबल वेराइटीज में ब्लाइटेड लीफ आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो स्ट्रीक्स हैं, स्ट्रीक्स येलो हालो कलर से आपको सराउंडेड मिल सकती हैं। येलो हालो का हो क्या होता है, एक जैसे लीफ है, लीफ में एक सिम्टम है, कोई भी जैसे भूरा धब्बा, काला धब्बा, किसी भी प्रकार का धब्बा, उसके चारों तरफ एक पीला पीला, मतलब कि हल्का येलोइश टाइप का कलर दिखता है, तो वो जो कलर होता है उसको बोलते हैं येलो हालो। तो ये जो स्ट्रीक्स हैं इनके चारों तरफ आपको येलो हालो कलर देखने को मिल सकता है। और आगे अगर बात करें तो ये सिम्टम जो है लीफ शीथ तक पहुंच सकता है, लीफ से शुरू होगा, पूरी लीफ को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद ये लीफ शीथ पर जा सकता है। सीवियर कंडीशन में पूरी लीफ सूख जाएगी। ये रहे इसके सिम्टम। इसके डिपिक्शन की बात करें तो ये मान लो आप राइस है और राइस में वाटर सोक ट्रांसलूसेंट जो कलर के स्ट्रीक्स आपको
कहाँ देखने को मिलेंगे, जो वीन्स है वीन्स के बीच में, जिसको बोलेंगे इंटरवेनल स्पेस। और ये जो सिम्टम है वो वीन्स के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसके बाद जो येलो कलर का एग्जुडेट, वास्तव में बैक्टीरियल ऊज आपको देखने को मिलेंगी। लीफ जो है इसी बैक्टीरियल ऊज जो है सूखने के कारण रफ स्ट्रक्चर लीफ की आपको देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं रफ पस्टुल्स। पूरी लीफ जो है पास्टुलेटेड हो जाएगी बैक्टीरियल ऊज से। ये जो स्ट्रीक्स हैं, स्ट्रीक्स के चारों तरफ येलो हालो आपको कलर देखने को मिलेगा, और सीवियर कंडीशन में पूरी लीफ सूख जाएगी। कुल मिला के जो पीछे बताया था उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये आपको देखने को मिला। आगे बात करें इसके विजुअलाइज सिम्टम की, तो आप देख सकते हो ये वाटर सोक्ड मतलब लाइनियर लिजन, ये आप देखो एक लाइन में जो वीन्स है वीन्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो है इनलार्ज लिजन, यही जो लिजन है बड़े हो जाएंगे और ये बात कही गई नहीं, पूरी पत्ती जो है सूख जाएगी ससेप्टिबल कंडीशन में। देखो इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा पत्ती सूखी दिख रही है, तो ये आगे पूरी पत्ती आपको सूखी देखने को मिल सकती है। ट्रांसलूसेंट जो वाटर सोक्ड लिजन है, अब ये देखो इस प्रकार के लिजन जो है वाटर सोक्ड लिजन कहलाते हैं। और येलो हालो की बात करें तो जैसे यहाँ पर मान लो देखो ये कुछ सिम्टम है और ये सिम्टम है, तो इसके साइड में जो हल्का पीला पीला आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं येलो हालो। मतलब जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसको छोड़ के जो पीला कलर दिखता है उसको बोलते हैं येलो हालो। इसके बात करें इटियोलॉजी में, तो इटियोलॉजी में हमने देखा जो जेंथोमोनास है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पिछले हमने लेक्चर में भी इसको बात किया, तो सिम्टम क्योंकि जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी ओराइजी कोला हुआ है, जो जेंथोमोनास है वो वही रहा है। जब कभी इस सब स्पीसीज या सब स्पीसीज जो उसकी चेंज होती है तो उसके क्या होता है, जो कार्य करने की जो एक्टिविटी है वो परिवर्तित हो जाती है, ना कि पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम जो करेक्टर हैं वो एक ही जैसे रहेंगे जैसे जेंथोमोनास ओराइजी में थे। तो ये ग्राम नेगेटिव करेक्टर का होता है, राड शेप का होता है, मतलब कि एक लंबा लंबा आपको देखने को मिलेगा। मोनोट्राइकस विद पोलर फ्लैजिलेशन। इसके हाँ एक मुख्य बात अगर इसमें की जाए तो कॉलोनी की है, उसमें हमने देखा था म्यूकस कॉलोनी देखने को मिली थी, मगर इसमें राउंड स्मूथ आपको लाइट येलो टू गोल्डन कलर्ड की जो आपको कॉलोनी देखने को मिल सकती है। तो बस कॉलोनी का अंतर है। आगे इसके ये देखो ये राड शेप का बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजेला, ये बैक्टीरिया जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी ओराइजी कोला। डिजीज साइकिल की बात करें तो हमने पिछले रोग में जब देखा था तो पिछला रोग क्या था, उसमें जो डिजीज का प्राइमरी इनाकुलम था वो सीड वीड स्ट्रा किसी भी प्रकार के वीड से भी आ सकता था, मगर इसके केस में थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो प्राइमरी इनाकुलम आएगा या प्राइमरी इन्फेक्शन जो होगा वो सिर्फ सीड से ही होगा, जो इन्फेक्टेड सीड होगा उसके अंदर जो स्पोर सर्वाइव कर रहा होगा उसी के द्वारा प्राइमरी इनाकुलम होगा। और वो कहाँ आपको मिलेगा, ग्लूम्स में मिलेगा। ग्लूम्स छोटी छोटी संरचनाएं जो राइस होता है उसके साइड में पाई जाती है नीचे, उसको बोलते हैं ग्लूम्स बैक्टीरियल। उसमें हमने देखा था जेंथोमोनास ओराइजी में, वहां पर बैक्टीरिया हाइड्रा थ्रोट से इंटर करता था, मगर यहाँ पर बैक्टीरिया स्टोमेटा से इंटर करेगा और जो इंजर्ड पार्ट होगा प्लांट का वहां से इंटर करेगा। तो ये दोनों में अंतर है। वहां पर हमने देखा था जेंथोमोनास ओराइजी में, उसमें जो था वास्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करता था, उसके विपरीत जो जेंथोमोनास जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस
पीवी और आईजी कोला मतलब बैक्टीरिया लीफ स्टरी का जो डिजीज साइकिल और उसमें जो बैक्टीरिया है वो पेरेन्काइमेटिक सेल को इन्फेक्ट करता है, ना कि वास्कुलर सिस्टम को। ये डिजीज सिस्टेमिक डिजीज नहीं होता है। तो अब ये जाने कि सिस्टेमिक डिजीज क्या होता है। वो डिजीज जो ज्यादा से ज्यादा पौधे के भाग को इन्फेक्ट करे या फिर पूरे पौधे को इन्फेक्ट करे, तो उस प्रकार के जो डिजीज को बोलते हैं सिस्टेमिक डिजीज। तो इसमें हमने देखा या तो पूरी लीफ इन्फेक्ट करता है या फिर लीफ के ऊपर आपको धब्बे देखने को मिलेंगे। तो ना तो पूरा प्लांट इन्फेक्ट हुआ, ना ही किसी उसका पूरा ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ, तो इसीलिए सब पार्ट इन्फेक्ट हुआ। इसीलिए ये जो डिजीज है वो सिस्टेमिक डिजीज नहीं कहलाता है। ऊज जो है इन्फेक्टेड प्लांट में बनते हैं, जैसे यहाँ पर प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद ये ऊज अर्थात बैक्टीरियल स्पोर बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है उसको बोलते हैं ऊज। यहाँ पर देखते हैं डिजीज साइकिल को। तो यहाँ देखो जो इन्फेक्टेड सीड है वो प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करेगा, स्टोमेटा के द्वारा या फिर वॉन्ड जो होगा वहां से एंट्री पाएगा होस्ट में, फिर मल्टीप्लाई करेगा, ऊज फार्म करेगा। ये ऊज जो है विंड या रेन के द्वारा जो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पे माइग्रेट करेंगे और हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, और ये इरिगेशन वाटर के द्वारा भी होता है। तो ये जो ऊज है ये सेकेंडरी इनाकुलम का काम करेगा और जो इन्फेक्टेड सीड है वो प्राइमरी इनाकुलम का काम करता है। तो इस प्रकार से पूरी ये डिजीज साइकिल चलती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा आपके दोस्त इससे लाभान्वित हो और ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट है वो हो सके, ताकि उनके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल अभाव है वो दूर हो, वो भी यूट्यूब पे कुछ इस प्रकार की जानकारी देख सके, ताकि उनको हेल्प मिल सके किसी भी चीज को समझने में। अगर आप इसका पावर पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम इसका ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेज ऑफ साइंस का। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है और वहां से आप इसका पावर पॉइंट ले सकते हैं। इसलिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।